हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए संडे क्यू एन ए वीडियो में। और सवाल आपने काफ़ी यूनिक से पूछे हैं, तो जवाब देने का तरीका भी हमने आज यूनिक ढूंढा है। और आज जो है, जितने भी आपने सवाल पूछे हैं ना, सारे सवाल मैडम मैं पूछेंगी और जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कुछ आंसर आपके भी पास हो, तो आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करेंगे। और आज का यूनिक सा तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो अभी लाइक लाइक कर कर दो दीजिए। और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना। पढ़ो, पहला सवाल क्या है? सरस्वती में जिन बच्चों ने तीन डोमेन भरे हैं और उनका तीनों में सिलेक्शन हो गया हो, और एक ही हाँ, वो एक ही लेगा, लेगा। बाकी दो डोमेन में अनसिलेक्टेड बच्चों को एस ओ एस सी लेगा या नहीं। दूसरा सवाल है, सर के वी एस के 9th क्लास के फॉर्म कब निकलेंगे, प्लीज़ बता दो। ओके, दो सवाल पूछे हैं। पहला एस ओ एस सी से रिलेटेड है। अगर तीन डोमेन भरे हैं और तीनों में नाम आ गया है, तो एडमिशन आपको पता ही है कि एक ही मिलेगा, क्योंकि एक ही स्कूल में तो पढ़ पाएंगे आप। बाकी जो दो डोमेन बचे हैं उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ था। और एस ओ एस सी कुछ रिजर्व बच्चों को पहले से ही लेके रखता है, ताकि बाकी उन बच्चों को मौका दिया जा सके। और दूसरा सवाल, KVS केवीएस 9th क्लास नाइन्थ के क्लास फॉर्म के फॉर्म कब कब निकलेंगे निकले, बता। वो तो बहुत पहले बना लिया ना, हाँ, बहुत तो भैया पहले बोल रहे KVS थे के आप। फॉर्म तो बहुत पहले निकल चुके हैं, शायद आप मिस कर गए। मैडम उस टाइम खाना बना रही थी, तो उन्होंने भी सुना था कि फॉर्म निकल चुके हैं। ओके, अगला सवाल है IQ सरकार। सर 12th के बाद कोई जॉब वाला कोर्स बता दो प्लीज़ सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी हम्बल है। 12th के बाद आप जॉब करना चाह रहे हैं? क्या जॉब है 12th के बाद? बहुत सारी जॉब हैं, हर एक स्ट्रीम में अलग जॉब है। साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है, कॉमर्स का कॉमर्स अलग का है, गवर्नमेंट जॉब अलग है, प्राइवेट जॉब अलग है। तो आपने पूछा ठीक से नहीं है किस फील्ड में आप जॉब चाह रहे हैं। बाकी जॉब बतेरे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं 12th के बाद, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। अगला जब आप सवाल पूछोगे तो आप प्लीज़ प्रॉपर सवाल ज़रूर पूछें, बाकी जॉब तो यार बतेरे हैं। अगला सवाल है, रोहित दिवाकर, हेलो सर, DMVS में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मगर सर मैं आपने अपने स्कूल में ही पढ़ना चाहता हूँ, सर मैं दोनों में एडमिशन ले सकता हूँ, सर मैं दोनों में एडमिशन ले सकता हूँ या अपने स्कूल में और SOSC में ले सकता हूँ। ओके। DMVS बोले तो दिल्ली मॉडल वर्चुअल DMVS स्कूल, जो कि एक दिल्ली सरकार का एक नया यूनिक सा स्कूल है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ ना भरें, क्योंकि जो ये मॉडल वर्चुअल स्कूल है, ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई को घर से करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से ही तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, स्कूल जा रहे हो, तो आपको इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है। अमन झा, मेरा नाम अमन है और मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो डॉक्यूमेंट इंस्टा के ऊपर भी बना दीजिए SOSC। तो भाई डॉक्यूमेंट के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी जो आपके एडमिट कार्ड जो मिला हुआ आपको, लास्ट रिजल्ट है उसमें भी लिखा हुआ है। आप एक बार हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। अगला सवाल है, बाय गेमर, सर CBSE का सिलेबस अपने चैनल पर डाल दीजिए प्लीज। तो CBSE का सिलेबस सर डाला तो है ही, कुछ ही क्लासेस और कुछ ही सब्जेक्ट का डाला है। बाकी आपको कौन सी क्लासेस का चाहिए आपने प्रॉपर बताया नहीं। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन सी क्लास का आपको चाहिए, किस मीडियम में चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको उस क्लास और सब्जेक्ट का सिलेबस मैं प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला सवाल, योगिता वर्मा। सर के SOSC की स्कूल ड्रेस स्कूल से ही मिलेगा या खरीदनी होगी? क्या लग रहा है आपको, स्कूल देगा? नहीं क्यों नहीं दे सकता स्कूल? नहीं देगा, खुद ही देखो, खरीदनी होगी, स्कूल क्या है ना, पैसे देता है और वो आपको खुद खरीदनी खरीदनी पड़ेगी। पड़ेगी। मान लो स्कूल ने यूनिफॉर्म दे दिया तो क्या होगा, साइज़ तो अलग अलग रहता है ना,
किसी को ढीला दे दिया, किसी को टाइट दे दिया, तो फिर उसके बाद आप कहोगे मुझे ढीला मिल गया, मुझे टाइट मिल गया, तो आप भी अदला बदली करने लग जाओगे, है ना। तो भाई अभी तक तो SSC 5000 रुपीज़ देता है प्रत्येक स्टूडेंट को। बाकी आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो आप उस 5000 से ले सकते हैं, और अगर आपको स्कूल दे देना तो फिटिंग नहीं बैठेगी भाई, दिक्कत हो सकती है आपको। क्रिमिनल क्रिमिनल सर, भाई नाम तो यार थोड़ा सही से नाम रखो यार। सर जहाँ रिपोर्टरी वेन्यू होगा उसे स्कूल में एडमिशन होगा क्या सर? मतलब जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसी स्कूल में होगा, मोस्टली 90% आपका उसी स्कूल में आपको मिलेगा, जैसे आप पढ़ने को मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में जो DBSC है वो सेपरेट बच्चों की भी डॉक्यूमेंट लेता है, तो उनको रिजर्व में रखा हुआ है, और जैसे ही इधर से अगर किसी बच्चे की कमी पड़ती है तो इधर से वाले बच्चों को पूरा कर दिया जाएगा। जो आपका जिस स्कूल में वेरिफिकेशन हो रहा है 90% आपको वही वाला स्कूल मिलेगा। अगला सवाल तनिष्क है, सर CBSE सिलेबस इंग्लिश मीडियम में है, उसे हिंदी मीडियम में ऐसे चेंज करें, आपकी पुरानी वीडियो नहीं मिल रही है, बहुत बार देख लिया। अच्छा चैनल पे ही होगी तो चैनल पे होंगे, आपको शायद मिल नहीं रहा होगा, लेकिन आप किस क्लास का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सभी क्लासेस के नहीं हैं, तो आप प्लीज़ अपनी क्लास ज़रूर बताएं और अपने सब्जेक्ट का भी बता दूँ, और ताकि एक मैं उसी क्लास उसी सब्जेक्ट का दोबारा से मैं डाल पाऊँ। सारे क्लासेस का सारे सब्जेक्ट का नहीं है, बट आप कमेंट मुझे कर दीजिए। अगला लेजेंड निंजा, सर इस बार SSC का कट ऑफ कितना है? I have selected in SSC stem द्वारिका सेक्टर 6। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो जितने जितने भी सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या है कट ऑफ कितना है? तो यार SSC कट ऑफ अभी जारी किया ही नहीं, SSC ने कहीं कट ऑफ शो ही नहीं किया है, बट शायद क्या पता कर दे इन फ्यूचर। अगला सवाल है, इसे रीड मोर करो जरा। अदिति झा, सर आई हैव सिलेक्टेड इन स्टेम। अदिति नाइन झा, अभी अदिति नाइन क्लास झा है कि अदिति मतलब किस टाइप का नाम है? सर आई हैव सिलेक्टेड इन स्टेम, सर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को मिलने में कितना टाइम लगता है? सर स्कूल वाले कह रहे हैं कि 15 डेज लग जाते हैं, और सर मुझे ऐसे SSC स्कूल में भी 15 डे का टाइम दिया है सबमिट करने के लिए, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्या लग रहा है, इतना पास करने के बाद अगर किसी का कैंसिल हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत गंदा लगेगा। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी आपका कैंसिल नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जो SLC है ना वो 15 दिन नहीं लगते, वो कहीं विदेश से थोड़ी ना आ रहा। आजकल 15 दिन में तो लोग विदेशों से होके आ जाते हैं, SLC आपकी तुरंत निकल जाती है। हो सकता है स्कूलों के पास दूसरे और भी काम होते हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया हो, बट 15 दिन में नहीं। उन्हें बोलें कि हमें जल्दी चाहिए, स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है। और दूसरी जगह SSC ने भी आपको 15 दिन का टाइम दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन के बाद वो आपका कैंसिल कर देगा। आप उन्हें बताइए भाई ये फॉल्ट आपका नहीं है, आपको स्कूल दे ही नहीं रहा तो दूसरा स्कूल कैसे जमा कर दोगे? तो परेशान ना हो, अपने स्कूल में कहीं जल्दी दे दें, और SSC में कहें कि भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्रिंस कुमार, सर जी SSC में भी छुट्टियाँ 11 मई से होता है ना? मतलब अभी भाई स्कूल आपके एडमिशन ही नहीं हुआ, पहले छुट्टियाँ चाहिए, तो छुट्टी पहले ही चाहिए आपको। अरे पहले भाई एडमिशन करा लो, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते आपका अप्रैल ख़त्म, उसके बाद करते करते आपको मई आ जाएगी। तो जब अभी तो आर्म फोर्स का रिजल्ट भी नहीं आया, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का भी नहीं आया, तो अभी आप छुट्टी कहाँ से करवा रहे हो? और छुट्टी तो उनकी होती है ना जो स्कूल जा रहे होते हैं। अब आप स्कूल ही नहीं जा रहे हो तो कहाँ घर से छुट्टी कर रहे हो क्या? तो यार प्लीज़ थोड़ा सवाल आप ध्यान रखें। बट छुट्टियाँ भी आपका सेशन ही जहाँ तक संभव है वो जुलाई से शुरू होगा। क्या राजेंद्र कौर, सर मेरा सिलेक्शन इस बार ह्यूमैनिटीज में हुआ है, स्टेम में नहीं हुआ, अगर मैं अभी 21 में एडमिशन लेके पढ़ूं तो क्या मैं 11th में? सीमोर करो, अभी 11th में स्टेम ले सकता हूँ क्या, एग्जाम दे सकता हूँ?
इस टाइम का एग्जाम? हाँ, मतलब अभी किस में हुआ है, हाई एंड 21st सेंचुरी ह्यूमैनिटी में। तो पहली बात तो है कि आपको एक ही में एडमिशन लेना है। स्टेम में नहीं हुआ आपका सपना स्टेम में जाने का, तो स्टेम अगर आपका अभी नहीं हुआ है तो 11th में आपका और भी टफ होगा मैथ, क्योंकि 11th में सारे 30 मार्क आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो आपका 11th में हो जाएगा। और फिलहाल जो है SSC इस तरह की फैसिलिटीज नहीं देता है, बट इन फ्यूचर क्या पता वो ऐसा कुछ कर दे तो आप टेस्ट दे पाओ। और टेस्ट देने के बाद ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन होगा, बट होप रखो, तैयारी रखो। लेकिन आपका जिस डोमेन में आ गया, जिस डोमेन में आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या चाहिए, उसी डोमेन में पढ़ना चाहिए कि आगे चेंज करते रहो? उसी में पढ़ना चाहिए जिसकी तैयारी की है पहले। मतलब कहीं ऐसा हो कि 2 साल आपने ह्यूमैनिटी पढ़ा, उसके बाद आप 2 साल स्टेम पढ़ो, फिर 2 साल आप परफॉर्मिंग पढ़ो, फिर 2 साल, तो मतलब आप किसी भी चीज़ के स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाओगे। एक ही चीज़ को फोकस करो, हर चीज़ में करियर है, हर चीज़ में फ्यूचर है, तो आप किसी एक चीज़ में फोकस करके अपनी लाइफ को शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल कहाँ गया, ये नहीं है, ओके। सवाल थोड़ा सा खिसक गया था। सवाल है गीता कुमारी का, गीता कुमारी। ये नाम भी पढ़ने में नहीं आते, बड़े छोटे छोटे बारीक बारीक से नाम है। सर जैसे मेरा SSC में हो गया है, हाँ, डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा एडमिशन पक्का है ना सर? और सर जिनका SSC में हो गया है उन्हें भी DMVS ज्वाइन करने की ज़रूरत है, स्कूल भी पास में ही है। मतलब ये तो भंडारे वाली बात आ गई ना। अगर भंडारा नज़दीक में हो रहा है तो चाहे हमारा पेट भरा है फिर भी लाइन में लग जाओ, भंडारा भी ले लो। तो यार इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने SSC में ज्वाइन कर रहे हो, सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब एक चीज़ में फोकस करो, क्योंकि ये एक ही जगह तो आप पढ़ पाओगे ना, तो दोनों जगह पढ़ के आप दोनों जगह आप कहीं लटक ना जाओ। तो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप SSC पे फोकस करो। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन होगा, क्योंकि बहुतों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ ऐसी अगर दिक्कत आ जाए आपके डॉक्यूमेंट में तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है। अगला सवाल है गौरव शर्मा। यार सर मैंने मैथ्स और साइंस की पूरी बुक एकदम अच्छे से की थी, एक एक वर्ड का पता था मुझे। साइंस और मैथ की बुक इसे करो रीड मोर। एक एक साइंस और मैथ की बुक का पर SSC में सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा क्यों? और मेरा पेपर में 320 अबव आने थे। हाँ। मैं पूरा घर आके चेक किया था, गूगल से आंसर भी चेक किए थे, मैंने सिर्फ मेरे सही थे पर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, क्यों? मैथ और साइंस पूरी बुक पढ़ दी, मतलब मैथ और साइंस आपने पूरी बुक पढ़ दी एकदम, आपके जो मार्क्स है वो 320 के करीब आ रहे थे। पहली बात तो ये कि आपने गूगल में चेक करा, जितने प्रश्न आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो जितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे क्या सारे हमें याद होते हैं? नहीं, मुझे भी नहीं हुए भाई, सारे तो नहीं हुए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो होता क्या है, जितने आसान क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो हमें याद हो जाते हैं, और हम उन्हें बहुत डिस्कस करते हैं, अरे यार अच्छा मेरा ये वाला क्वेश्चन बहुत गजब गया वो वाला। लेकिन जो कोई टफ सवाल हो ना, और हमारे दोस्त ने पूछा हो कि यार मेरा ये वाला सवाल अच्छा गया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये भी सवाल था क्या, क्योंकि पता ही नहीं रहता है, क्योंकि वो पता ही नहीं हमें। जो ईजी है वो तो हमें अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन जो टफ है ना वो हमें पता ही नहीं चलता। तो आपने जो गूगल से चेक किए शायद वो जो इजी थे और जिनका आपने आंसर दिया वो चेक कर लिए, लेकिन टफ वाले रह गए, और सारा पेपर आपको याद हो गया हो ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना? तो 320 अगर आए हैं, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट के कमेंट में देख पा रहा हूँ, एक बच्चे ने कहा कि मेरे भी ऐसे ही शायद 320 के अराउंड में थे, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपके 320 नहीं आए होंगे, कुछ हो सकता है आपके आपने तुक्के मार दिए होंगे, तुक्के मारने वाले माइनस हो गए होंगे। तो यार काफ़ी चीज़ें होती है, बाकी ऐसा नहीं है, अगर आपके पेपर अच्छा होता, मार्क्स अच्छे आते तो आपका नाम ज़रूर होता, बट परेशान ना हो, आपके पास
अभी नॉर्मल स्कूल का भी ऑप्शन है, तो नॉर्मल स्कूल में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगला सवाल, रौनक। रौनक आ गया भाई, रौनक। सर मैं ह्यूनिटीज में सिलेक्ट हुआ हूँ, क्या मैं आगे जाके 11th में पेपर से सकता हूँ, पेपर दे सकता हूँ हाई एंड 21st के स्टेम में, हाई एंड 21st के लिए? ओके, मतलब अभी जो है वो ह्यूमैनिटी में सिलेक्शन हुआ है और चाहते हैं 11th में स्टेम या हाई एंड 21st। तो यार मैंने अभी आपका आंसर भी दे दिया, अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आप चेंज भी मत करना, 9th में सेट हो जाना कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही आप कदम बढ़ाना। और चेंज हो सकता है आपको एग्ज़ाम देने का ऑप्शन मिले, बट मैं चाहूँगा कि आप जो आपने 9th में कर लिया उसी को आप कंटिन्यू करें। अगला सवाल, अंशु शर्मा। सर कट ऑफ बेस पे एडमिशन एसओएससी में हो सकता है? कट ऑफ बेस एसओएससी ने कट ऑफ बेस पे ही तो सिलेक्शन किए हैं, कट ऑफ सो नहीं किया है, बट उसी के बेस पर एडमिशन हो रहे हैं। क्रिमिनल, दोबारा से आया भाई, क्रिमिनल का दोबारा सवाल आ गया, क्या लिखा है, सेम है क्या? हाँ सर, जहाँ रिपोरी वेन्यू, ओके सेम सवाल पूछा है। अगला सवाल है क्या है, धनी राम वर्मा, धामी उत्तराखंड, धनी राम वर्मा, सॉरी। हाय सर, मैं संदीप वर्मा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी कितनी एज है? कितनी एज है मैं बताऊं? और नहीं नहीं, मेरी रियल एज मत बताना। मेरी एज जो है कितनी, शायद 12-15, नहीं कितनी, 18, शायद 12-15 साल है, बट मेरी शादी हो चुकी है, हमारा बाल विवाह हो गया था और अभी हम शादी के लायक हो चुके हैं, तो मैं 18 का हो चुका हूँ। फिर आप कितने के हैं? पता नहीं। तो यार एज एज मत पूछा करो यार, बड़ा खतरनाक सवाल हो जाता है ये। और सर आज तो मैंने दाढ़ी भी कटा दी, तो आज तो मैं लग ही रहा हूँ 18 का। आगे क्या पूछा? और सर 9th में पासिंग नंबर कितने होते हैं? 9th में पासिंग नंबर तो यार सेम ही होते हैं, 33% में पास होना होता है। आपके टाइम में कितने में होते थे? 33 था हमारे भी। हमारे में भी 33 होते हैं। तो यार 33 ही चलेगा भाई लाइफ टाइम, जब तक है जान 33 रहेगा पास, प्रमोशन पॉलिसी का। और 8th में इस बार बोर्ड होगा या नहीं? 8th में बोर्ड होगा भाई, इस बार 8th में भी बोर्ड होगा और 5वीं में भी बोर्ड होगा। बोर्ड नहीं, उसे हम कहेंगे कि फेल होने का एक प्रोसीजर रहेगा। मतलब अभी तक क्या था कि सारे बच्चे 8th तक पास हो जाते थे, बट इस बार 5वीं में और 8वीं में भी आप फेल हो सकते हैं, बट फेल मत होना है, पढ़ाई कर लो। आगे क्या है ये सर? बस ये मेरे 3 क्वेश्चन है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन इन वीडियो, थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू, ओके यार वेलकम सो मच आपका, और तीनों के जवाब आपको दे दिए हैं। अगला सवाल है, ऐसे करो रीड मोर। तरुण सिंह। सर मेरा एडमिशन हो गया है एसओसी में, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके थैंक यू, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी, मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हो गया। बट सर मेरा ह्यूमैनिटीज और हाई एंड सेंचुरी दोनों में हुआ है, तो सर मुझे एक दोनों में से कौन सा स्कूल में जाना चाहिए? एंड थैंक यू सर, आपकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी वजह से हुआ, मैडम की वजह से हुआ? नहीं आपकी, शायद मेरी वजह से, मेरी वजह से नहीं हुआ एक्चुअली, ये आपकी वजह से हुआ। और ये जो तरुण सिंह है ना, ये चांदनी है, इसका नाम चांदनी है और ये हमारे उत्तराखंड की है। अच्छा। तो देखो भाई, हमारे उत्तराखंड की काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, ऐसा नहीं, वजह आप ही है, आपने पढ़ाई की अच्छे से तो आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो 2 डोमेन हैं, आप सबसे पहले ये डोमेन को समझें, मैंने 5 डोमेन की सेपरेट वीडियो बनाई हैं, आपको एडमिशन के बाद क्या क्या पढ़ना होगा, करियर ऑप्शन क्या क्या होंगे, तो अपने लिए आप ही करियर बेटर चूज कर सकते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको मटर पनीर खाना चाहिए, आपकी पसंद अगर सोया चाप है और मैं आपको मटर पनीर खाने के लिए बोलूं, तो शायद आपका आप अच्छे से नहीं खा पाओगे। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मटर पनीर अच्छा है या सोया चाप, क्या अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, पर दोनों में तो एडमिशन नहीं होगा ना, एडमिशन एक में ही होगा। राजेंद्र कौर। सर मेरा सिलेक्शन इस बार, ये तो हो गया सर, हो गया ये। अच्छा डबल डबल पूछ लेते हो यार आप लोग, ये क्या? शुभराज। शुभराज सर एक एसओएससी से, इसे करो रीड मोर करो। सर एक एसओएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है,
मैम जिन बच्चों का तीनों मैम भाई कमाल है, बहुत तेज है। कैसे पता लग गया भाई? मतलब आज मैडम आने वाली है, इस भाई को पहले ही पता चल गया। मैम भाई जिन सर बोले यार मैं मतलब मेहनत मैं कर रहा हूँ। मैम जिन बच्चों का तीनों डोमेन में एडमिशन हो गया है वो बच्चे जाएंगे तो एक ही डोमेन में, और मैम दो डोमेन में सीट बच जाएंगी तो मैम अच्छा, उन बच्चों समझ गया, को समझ गया, सिलेक्ट करेंगे। भाई ये सवाल क्लियर हो चुका है कि दो डोमेन तीन डोमेन में सिलेक्शन हुआ तो आप एक ही में लोगे, जो बच जाएंगे उसका तुम मत सोचो, उसका एसएससी सोच लेगी। बट एसएससी ने कुछ ऐसे बच्चों के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बुलाया है जिनका भी नाम आया नहीं, उनको सेपरेट रखा है। अगर इधर से कुछ बच्चे कम होते हैं तो इधर से उनको ले लिया जाएगा। बाकी भाई मेरा नाम ज़रूर ले लेना, आपने मैम मैम कहा है ना, और पता नहीं कैसे चल गया तुम्हें कि भाई वो बात बात होती है क्या, मतलब सीधा ही मैडम से ही। अगला क्या है? क्या एनी मेरा भाई कैसे नाम कैसे यार? सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है क्यों? मेरा एग्जाम कट ऑफ के बाद भी 260 के राउंड ऑफ में मार्क्स आने की है, तब भी क्यों हुआ है? क्यों नहीं सिलेक्शन क्यों हुआ कि क्यों नहीं क्यों हुआ, नहीं ये समझ आया नहीं शायद। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये तो आप ही जान सकते हो और आपका एसएससी जानेगा। शायद आपके मार्क्स कम रह गए होंगे इसलिए नहीं हुआ होगा। बाकी कट ऑफ मार्क्स एसएससी ने जारी किए ही नहीं, जो टॉप रैंक में आए थे उनको सेलेक्ट कर दिया। विशाल सिंह सर हम जिस स्कूल में ट्रांसफ़र करवाएंगे वहाँ हमारे अटेंडेंस भी देखेंगे, सर अटेंडेंस कम हुई तो सर एडमिशन नहीं देंगे। अटेंडेंस मतलब थोड़ा सवाल समझ नहीं आया मेरे ख्याल से। आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जिस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र होगा उस स्कूल में आपकी इस स्कूल की अटेंडेंस अपनी आप चली जाती है ऑनलाइन, और जब भी आप जो आपके अटेंडेंस है वो फिर आगे काउंट होने लग जाते हैं पुराने स्कूल से। बट ऐसा नहीं है, अटेंडेंस मैटर नहीं करेगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी अगर अटेंडेंस कम है तो भाई स्कूल जाना शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट ख़राब ना हो। इस बार तो 8th वाले भी फेल हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई करो भाई। ये क्या है? हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए। विशाल सिंह है वो भी। पढ़ो 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 क्या है? सर हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भाई कल को कहोगे कि हमारे स्कूल में मिड डे मील नहीं मिल रहा तो ट्रांसफ़र कर दोगे, कल को कहोगे हमारे स्कूल में लड़कियां नहीं आ रही है तो ट्रांसफ़र कर दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ट्रांसफ़र का एक वैलिड रीज़न होता है और रीज़न मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अब मेरी वीडियो इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि जेंट्स ही जेंट्स है, तो भाई इस बार तो लेडीज़ आ गई है ना, तो अब देख लेना। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो आप ट्रांसफ़र लोगे। पढ़ाई सिर्फ आपकी नहीं हो रही है, ये पूरे स्कूल की नहीं हो रही, और पूरे स्कूल की नहीं हो रही तो पूरा स्कूल ही पता लेके ट्रांसफ़र ले लें तो आपके स्कूल का क्या होगा? तो यार वैलिड रीज़न होना चाहिए। शिवानी सिंह सर NIOS फॉर्म कब लिखेंगा? प्लीज़ लिखेंगे। NIOS के फॉर्म जल्दी निकल जाएंगे और इसी अप्रैल एंड तक आपका फॉर्म वगैरह भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर से चांदनी आ गई है और इसको रीड मोर करो, बड़ा लंबा चौड़ा टाइप करती है चांदनी। सर जैसे मैंने दोनों डोमेन में सिलेक्ट हुआ, ये वही है शायद। दोनों डोमेन में एक ही में जाऊंगी, खाली हो जाएगा। अरे यार काहे परेशान होती है, अपना एडमिशन लो, वो बाकी डोमेन खाली रहे भरे रहे तुम्हें क्या लेना देना, अपना एडमिशन कराओ और बस अपना सिलेक्शन होना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो, आज का हमारा Q&A का तरीका, और मैडम का भी पहला एक्सपीरियंस था तो आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए। तो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह के Q&A सेशन को रखेंगे। पसंद आता तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना, मेरे लिए ना सही लेकिन मैडम के लिए ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।